हाँ जी, बहुत सोहनी फिल्म बनाई है जी। ऐसी मैं थोड़ा ली इंजॉय की ऐसी ना, स्टार्ट तो लेके एंड तक बंदे रखे फिल्म ने सानू। बिल्कुल बिल्कुल, म्यूजिक बहुत सोहना फिल्म का, गाने बहुत सोहने से। दुश्मनियाँ खाली इस लाइन च नहीं, हर जगह ही होंदियाँ जी, है ना। आप नहीं कह सकते साड़ी लाइन च ही है, सब च ही होंगे, बट इन्होंने बहुत सोहने तरीके दिखाई है। किन्ने नंबर दोगे मूवी को? 5 out of 5 डेफिनेटली। बहुत ही वधिया मूवी सी, ते हर पार्ट ही जिते फनी भी सी, इमोशनल भी सी, ते सारा वेरिएशन्स भरिया होया सी। बहुत देर बाद एक वधिया पंजाबी मूवी देखने को मिली है जी। तो मतलब कि कह सकते हैं कि ऑडियंस नो एंड मोमेंट तक बंद के रखे है पूरी मूवी। बिल्कुल बंद के रखे है, क्योंकि हर वेले इदा सी भी नेक्स्ट की होगा, व्हाट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट, है ना। भी वह बिल्कुल वधिया सुधर जाएंगे जो आर्टिस्ट ने मेन के वो एंड हो जाएगा उन्होंने करियर का। सो बड़ा ट्विस्ट सीगा ते बहुत वधिया। ये एक ऐसी फिल्म है जिन्हें मतलब मैं ना जो परिंदा गाना चल रहा है ना, जो असी मैं शूट भी कर रहे थे जो गाना सी, तो उदो मैं गूज जम्प उस टाइम भी आए थे, तो मैंने ये लग्या कि फिल्म बहुत ज़्यादा मतलब टच करूगी, तो गल भी सही टच किया, बहुत बहुत सोहना। लोगों का तो यह भी कहना है, ऑडियंस का कहना है कि गाने तो लैके असं तो यह सोच रहे कि वट अबाउट नैक्सट। मैं शिती भाई मैं एक गल कही मैं भाई मतलब फिल्म के जी कहानी है ना, मतलब एक्टिंग परफॉर्मेंस होनी है ज किसी फिल्म की प्रमोशन बहुत अगर लग जाती है, पर कहानी भी बन के रखती है, तो कहानी ने बन के रखे तो उन्होंने भी पता नहीं। बहुत सोहना कंसैप्ट, मैंने खुद को अच्छा लगे फिल्म वो करके। तो मतलब कि देख सकते किस तरीके दे नाल वक्त कितना बलवान है, ते राजे नूं कह लिए थले देख दिंदा है, ते जड़ा कह लिए। पर मैं मैनू अपने आप में खुश हो एक दोस्त जो है ना किसी का गाँव शेयर करता है तो वह स्टार बन जाता है, वो लिए मैनू अपने वाला भी जे ये मेरे हिस्से आई गल है ना, तो लोग उन्होंने बहुत चंगा मानते हैं कि हाँ किसी बंद ने दोस्ती नहीं भाई है। फिर मूवी फिल्म वाकई बड़ी वधिया सी, बड़ी देर बाद इदां दी फिल्म वेखण नूं मिली जिन्हें शुरू तो लैके एंड तक बन्नी रख्या। एक विशा भी बड़ा अलग जिहा चुणिया इन्होंने, तो गुरनाम भुल्लर जी ने भी एक्टिंग बहुत सोहनी की है। तो जे बाकी कलाकारा की गल करिए, म्यूजिक की गल करिए, डायरेक्टर की गल करिए, शूट्स की गल करिए, लोकेशन की गल करिए, 5 star चो 5 star ही देवे, और उम्मीद है ये फिल्म अलग बुलंदियों छुएगी। 5 star मतलब कि परिंदा पार लगता हो नज़र आ रहा पूरन तौर पर आ रहा, क्योंकि देखो जिहड़ी फिल्म के जिहड़े दर्शक ने वह इन बिन बैठ के देखी जाने और फिल्म के उन्होंने इंट्रस्ट बनया रहे, बोर ना हो, तो लगता ही है फिल्म कामयाब होएगी वाली, और पूरा परिंदा पार जिहड़ा इन्होंने लिखा जाता दिख रहा है, लग रहा है। मतलब कि पूर्ण तौर पर आर्टिस्ट का सफर देखने मिल रहा है, किस तरीके दे नाल दिल टुटता है, मतलब कि वधिया बनता है, टुटता भी दिखाया, तो आर्टिस्टा की जी आपसी इन्हों की खुंदकबाजी लै लो, इन्हों की वह लै लो भी कौन किसी को चढ़ते कि हो रहा है, कितना हो रहा है, वक्त बड़ी वड्डी चीज़ है। ये ये भी दिखाया गया उही वक्त जो चेंज करता करवट बदलता है तो कुछ भी करवा लेंदा। और बड़े चिड़ा बाद मतलब इदा की कोई मतलब फिल्म देखने को मिली जिसे संगीत और हर पात्र ने अपना जो पार्ट है वह वधिया निभाया, और बड़ी खुशी हुई भी बड़े चिड़ा बाद इदा की फिल्म मिलने मिली है जिसे मनोरंजन भी है और प्रेम भी है और सारा कुछ ये जो पंजाबी सभ्याचार भी बड़े वधिया तरीके गुरनाम भुल्लर ने जो किया। थैंक यू।